श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला धोरण 8 इकाई 8 हंसना मना है। उसका साहित्य प्रकार है चुटकुले। अब देख सकते हैं, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी दो दिन के लिए दोगे? तो हाथी ने क्या जवाब दिया देखो। हाथी ने कहा, तुम उसका क्या करोगे? चूहा ने कहा, मेरी बेटी की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। जीवन में हास्य बहुत जरूरी है। हंसना और हंसाना एक कला है। चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का माध्यम होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा मन प्रफुल्लित होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर ऐसे ही हंसाने वाले चुटकुले आप पढ़ रहे हैं। तो उंदर हाथी पास गयो ने बोलो, हाथी दादा शू तमे तमारी लुंगी बे दिवस माटे आपशो? तो हाथी ने पूछू, शू तेनू तमे शू करशो? तो उंदर शू कहे, मारा छोकराना लग्न छे, तेमा हूँ तंबू बनावीश। तो हंसवानू से विद्यार्थी मित्रों। दूसरा चुटकुला है, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। एक व्यक्ति कीधु, खबर नहीं लोग नहाया वगर महीना सुधी केवी रीते रहता हे। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगी। मने तो 28मा दिवसे ज खस थवा लागे छे। एटले ए महीनानी वात करे छे, पोते भाई तो 28 दिवस पछी नाही छे। ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? ग्राहके कीधु, तमारी पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ब्रश नहीं पण पेस्ट है, एटले कोलगेट छे। ग्राहक, अच्छा सारू, आपके पास पाउडर होगा? सारू, तमारी पास पाउडर छे? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। पाउडर नहीं पण क्रीम छे। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? ले बैटरी। दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है? एने कीधु, आ तो टॉर्च से काले खाली थी गई, मीणबत्ती छे आपू? ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। वांधो नहीं, तो तमारी पास ताळू तो हशे ने? दुकानदार, है दू? हाँ छे, आपू तमने? ग्राहक कीधु, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। हसवानू छे, एने कोई जे वस्तु ग्राहके मांगी एक के वस्तु नहोती, एटले छेले एने शू कीधु, तमारी दुकान में ताळू छे? तो एने कीधु, हाँ छे, आपू? तो के ना ना, तमारी दुकाने लगावीने घरे जईने आराम करो। चुन्नू, जहाँ ज्यादा बारिश होती वहाँ क्या पाया जाता है? तो वधारे वरसाद होय त्यां शू जोवा मळे? तो एने भाई बंदे शू कीधु, छत्री। तीन दोस्त आपस में गपचप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? तो त्रण मित्रों था, भाई बंद अंदर अंदर गप्पा मारता था। प्रश्न यह तो कि कोई दिवस ऊँघी ने उठी और खबर पड़े कि आपने लाखों पति बनी गए थे तो शू करूँ? एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजा करेंगे। एक ऐसे कि तू सीधो पेरिस फरवा हुआ जाश ने खूब मजा कर। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा, हूँ कोई फायदाकारक व्यापार में रुपया रोकीश। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊँ। हंसवानू छे ने विद्यार्थी, हूँ फरी ऊँघवानी कोशिश करीश अने ज्यां सुधी करोड़पति न बनी जाऊँ त्यां सुधी ऊँघीश। भूत वर्तमान और भविष्य के से तुम क्या समझते? कीधु, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य माटे तू शू समझेश? जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। એટલે ભૂત વર્તમાન અને ભવિષ્યની તમે શું સમજો છો? તો કે મારા દાદાજી ભૂતકાળ, મારા પિતાજી વર્તમાનકાળ, હું એનું ભવિષ્ય છું। પ્રશ્ન, રેલ કિરાયા ઇતના અધિક બઢ જાને પર ભી યાત્રિક કી સંખ્યા મેં વૃદ્ધિ હો રહી હૈ, ઇસકા કારણ બતાઈએ। તો પ્રશ્ન કર્યો, રેલવેનું ભાડું આટલું બધું વધી ગયું છે છતાં પણ પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે, આનું કારણ જણાવો। તો જવાબ, ઉત્તર, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराए और बढ़ जाए, इसलिए अभी यात्रा ही कर ली जाए। आनु कारण आज है कि दरक व्यक्ति एज विचारे कि आता वर्षे हजी भाड़ू वधी जशे,
એટલે અત્યારે મુસાફરી કરી લેવી જોઈએ. શિક્ષક ને સભી છાત્રો કો ઘાસ ખાતી હુઈ ગાય કા ચિત્ર બનાને કો કહા. સભી છાત્ર ચિત્ર બના રહે થે. કલ્પેશ ઘાસ કો તો ગા ખાઈ ગઈ. કલ્પેશ આ ચિત્રમાં ઘાસ ક્યાં છે એમ પૂછે શિક્ષક. તો એમ કહે છે ગા ઘાસ કો તો ગા ખાઈ ગાય ખાઈ ગઈ. શિક્ષક અચ્છા તો ગાય કહા હે. કલ્પેશ ને કહા વહ તો ઘાસ ખાકર ચલી ગઈ. ચુનુ મમ્મી સે જ્યાદા મુજે પાપા કા ચાટા પસંદ હે. દૂસરો ક્યો એને કીધું મારા મમ્મી ઝાપટ મારે એના કરતાં મને પપ્પાની ઝાપટ વધારે સારી લાગે. તેને મિત્રએ કીધું બીજાએ કે કેમ ક્યો એમ. દૂસરા ક્યો ચુનુ ક્યો કે પાપા પ્રતિ ચાટા પર 5 રૂપિયા દેતે હશે. કેમ કે પપ્પા દરેક લાફા વખતે મને 5 રૂપિયા આપે છે એટલે મમ્મીના ચાટા કરતાં મને પપ્પાનો લાફો વધારે ગમે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પણ આવા 5 ચુટકુલા તમારે રફબુકમાં લખવાના છે અને મમ્મીને બતાવવાના છે અને સંભળાવવાના છે. આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ જે આપણે ચુટકુલા પઢ્યા અત્યારે એ પણ તમારે મમ્મીને સંભળાવીને તેમને હસાવવાના છે.